अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपको जीरे वाले बिस्किट सिखा रही हूँ। इसमें हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने 3 टेबल स्पून जो है इसके अंदर मैंने ये लिया है अपना बटर, और इसमें मैदा है मेरे पास 1 कप मैदा है। ईजीली आप इसके अंदर अपने बटर में 3 टेबल स्पून में ये 1 कप मैदा डाल दिया हमने। 1/2 कप मेरे पास शुगर है, शुगर आप और कम करना चाहें तो कर सकते हैं। 1/2 कप शुगर है, जीरे वाले बिस्किट हैं, बहुत मज़े के होते हैं। और इसमें जी ये अंडा चला जाएगा, 1 सॉल्ट है मेरे पास 1/2 टीस्पून, नमक भी आप अपना देख के डालिएगा, ज़्यादा ना लगे क्योंकि जीरे में ज़रा सा ज़्यादा होता है तो मैंने इस वजह से ज़्यादा लिया है। और ये ज़ीरा है, जीरे को आप हथेली से ऐसे करके डालिएगा रगड़ के। ये थोड़ा सा जीरा हम रख रहे हैं गार्निश के लिए। ये मेरे पास अजवाइन है, मैंने 2 चुटकी अजवाइन ली है, सिर्फ 2 चुटकी अजवाइन है। अजवाइन को भी आप हथेली से अपनी रगड़ के इसमें मिक्स कर दीजिएगा, सिर्फ 2 चुटकी लेनी है, इसे ज़्यादा नहीं लेनी, नहीं तो ये टेस्ट ख़राब कर देगी। इन सब चीज़ों को आपने बाइंड करना है। पहले हम स्पून से करते हैं, इस तरीके से सारे को मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद अब हम हाथ से करेंगे। इसी में आपने इसको सबको भूनना है, मतलब इसको जो आपने बटर लिया है 3 टेबल स्पून और ये 1 अंडा है, इसके अंदर ही आपने इसको मिक्स करना है। इसमें ना पानी ना दूध कुछ नहीं जाना। इसे मशीन से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाथों से ही ये बड़ा अच्छा बनेगा। सब चीज़ें लेवल मतलब सारी उसी हिसाब से लें तो कभी भी बेकिंग ख़राब नहीं होती, लेकिन अगर ज़रा सी भी कोई ऊँच नीच हो जाए चीज़ में, ज़रा सी ज़्यादा कम हो जाए तो वो पूरी रेसिपी को ख़राब कर देती है बेकिंग। ऐसे ही है इसमें, लेकिन ये आप बना के देखिएगा। इसमें आप चीनी भी ज़रा से कम भी कर सकती हैं अगर आपको और कम करना है, नमक ज़रा सा और कम कर सकती हैं, मगर ज़ीरे वालों में नमक ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है बिस्कुटों में ना। ज़ीरे की क्वान्टिटी भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये मिक्स हो गया है हमारा। अब मैं अपना काउंटर मैंने साफ़ कर लिया था, अब काउंटर पे इसको निकालती हूँ। काउंटर पे निकाल के इसको इस तरीके से सारे को आपने मिक्स करना है। ठीक है, इस तरीके से बस 4 से 5 मिनट आपने इसको मिक्स करना है ऐसे ना, कि ये देखें सारा आपको लग रहा है कि ये बाइंड हो गया है। और ये ना सोचिएगा कि ये आटे की तरह सारा सिमट जाए, कोई मसला नहीं है। बस आपने खुशका को कहीं से ड्राई नज़र नहीं आया, आपकी सारी चीज़ें इसमें सही तरीके से मिक्स हो जाएं। बस इसका भूनने का ये हुआ है। बाद में भूनने के बाद अब क्या करना है कि हमने इसको ये देखें ऐसे फॉर्म में आ जाएगा ये। ठीक है, इसको करने के बाद अब आपने लेना है फिर आटा। अगर आप उसे रोलर पिन से करना चाहते हैं तो उससे बेल के फिर सारे निकाल लें, लेकिन मैं ज़रा ये जल्दी जल्दी इजी है कि जल्दी से हो जाता है। आपने जिस तरह ये देखें, मैंने एक हाथ से किया ये ने, ठीक है ये ले लिया, ये किया, ये आपका तैयार हो गया। ये मैंने यहाँ बटर पेपर लगा लिया है, इसके ऊपर इस तरह रख दें। ठीक है, फिर इसको हम बाकियों को भी ऐसे ही कर देते हैं। ये देखें ऐसे किया, हाथ दबाया, यूँ किया, ये देखें रेडी हो गया। अच्छा, अगर अब आप ये देखें कि इसके अंदर ना अगर आपको ऊंचा नीचा लग रहा है तो ये देखें, ये है तरीका कि किसी भी ऐसी बॉल लेके उससे इसको यूं करते रहेंगे तो वो बराबर हो जाएगा। ये देखें, ये आपका ज़ीरे वाले बिस्किट जो है इससे रेडी हो जाएंगे। इसी तरह फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह आपने इसको काटना है, काटने के बाद इसको बराबर करना है। ये इसके इधर से हम निकाल देते हैं, ज़रा सा स्पेस दे दीजिएगा ताकि
ये फैलेंगे तो फिर आपके ये वो ना हो के साथ चिपके नहीं, इतनी जगह हो के ये फैलें। तो अब मेरे पास भी सेल्फ रेजिंग फ्लावर है, अगर आपके पास इस फ्लावर में, बेशक आपकी मर्जी है कि आप इसमें डालें, ज़रा बस साइज़ का फ़र्क पड़ता है सोडा या बेकिंग पाउडर डालने से, बाकी कुछ ऐसा वो नहीं है। अगर डालना चाहें तो डालें 1 टीस्पून। अब हम इसको सारे ट्रे पर लगा लेते हैं अपनी। ये देखें जी, मैंने सबके ऊपर ना थोड़ा थोड़ा पानी लगा के, बस एक ऐसे डॉट, आपको ज़रा ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं लगाना, बस ज़रा सा पानी लगा के जो ज़ीरा है हमारा इसको चिपकाने के लिए, मैं बस ज़रा सा इसको ग्रीस किया बहुत थोड़ा सा, ये देखें, ताकि जो ज़ीरा है इस पर वैसे भी चिपक जाएगा, लेकिन ये कि ईजी रहेगा आपके लिए जो पहली दफ़ा बना रहे हैं उनके लिए, तो कि इस तरीके से आप इसको ज़ीरे को इसके ऊपर चिपका दें। चिपकाने के बाद अब हम इसको अपने ओवन में रख रहे हैं। ओवन में रखने के बाद जी ये देखें कितनी देर में, 15 मिनट में ही रेडी हो जाएगा। 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन 15 मिनट में रेडी हो जाएंगे ये, मगर वो आपके ओवन पे डिपेंड करता है कि आपका ओवन किस उसका है। तो ये 180 डिग्री पे मैं 15 मिनट के लिए रख रही हूँ उसे ओवन में। जी देखें मेरे ज़ीरे वाले बिस्किट भी हमारे तैयार हुए हैं। इसको बस बटर पेपर लगाने से फ़ायदा ये होता है कि देखें ये आपने उठाया, और अगर आपने बटर पेपर नहीं लगाया तो कोई मसला नहीं है, आप नीचे ग्रीस करके इस पर इसके आपको जिस पे भी आपने बिस्किट रखे हैं उस पैन पे ग्रीस करें, ग्रीस करने के बाद आप बिस्किट लगाएं तो कोई मसला नहीं है। ये देखें ये ऐसे आपके नीचे से क्रिस्पी बिस्किट तैयार हो जाएंगे। ये देखें गर्म है तो मैं ज़्यादा देर पकड़ नहीं सक रही, ये देखें, लेकिन मैं तो आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, वरना ये है कि जब ठंडे हो जाएँ तो ही आप उठाएँ ना। ये देखें ये देखें सारे इसी तरीके से सारे बिस्किट जो हैं, अभी मैं इसको ऊपर नीचे नहीं रखूँगी ताकि ठंडा हो जाता है, तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत गर्म हो रहे हैं। ये देखें ये हमारे एक कप के अंदर 10 बिस्किट तैयार हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं, तो मैंने इसको इस तरह प्लेट में लगा दिया है। और आप ज़रूर इसको इंजॉय कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। मुझे वेट होता है आपके कि आप आगे से क्या, मतलब आपको रेसिपी अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, जो भी कोई बात है मुझे ज़रूर बताएं। और दुआ में जी याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।